हेलो दोस्तों, मैं हूं पायल गुड़िया। पर्दे पर तो कई बॉलीवुड स्टार्स हीरो की भूमिका निभाते हैं, लेकिन एक्टर सोनू सूद रियल लाइफ में भी हीरो हैं और इन दिनों अपनी जिंदा दिली को लेकर सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। कोरोना काल में वो दिल खोलकर प्रवासी मजदूरों की मदद कर रहे हैं, इसलिए इन दिनों हर जगह उनकी चर्चा हो रही है। हाल ही में सोनू सूद ने कहा है कि जब तक एक एक प्रवासी भाई अपने अपने घर नहीं पहुंच जाता, तब तक उनकी ओर से चल रहा अभियान जारी रहेगा। कुछ दिनों पहले ही उन्होंने पंजाब के डॉक्टर्स को 1500 पीपीई किट उपलब्ध कराई थी। वहीं वो मुंबई में रह रहे प्रवासी मजदूरों को भी उनके घर पहुंचा रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने मुंबई में जुहू में स्थित अपना होटल कोरोना महामारी में ड्यूटी में लगे डॉक्टर्स, नर्सों व अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के लिए खोल दिया है। सोनू सूद ने हाल ही में एक बातचीत में बताया है कि जब मुझे प्रवासी मजदूरों के दर्द का पता चला तो मैंने मुंबई के सभी प्रवासियों को उनके घरों तक पहुंचाने का जिम्मा उठा लिया। इस मुहिम की शुरुआत कर्नाटक के 300 लोगों से की, उसके बाद झारखंड, ओडिशा, यूपी, बिहार आदि के अब तक 12,000 लोगों को उनके घरों में भेज चुका हूँ। सोनू सूद ने आगे बताया कि मैं और मेरी टीम प्रवासी मजदूरों का पता लगाने में जुटी हुई है। ईमेल आते रहते हैं, फोन कॉल्स आते हैं, उसके बाद सभी से निजी तौर पर मिलकर उनके जाने का इंतजाम कर रहा हूँ। मेरे स्वर्गीय माता पिता हमेशा से ही मेरी प्रेरणा रहे हैं। वे कहते थे कि कामयाब वो होता है जो दूसरों की मदद करता है। जब खूब कमाओ तो जरूरतमंदों की दिल खोल कर मदद करना। आपको बता दें कि सोनू सूद ने यह भी कहा कि माता पिता के आशीर्वाद से आज उनके पास भगवान का दिया सब कुछ है, तो ऐसे में उनका फर्ज बनता है कि वो संकट से जूझ रहे लोगों की मदद करें। इसलिए जब तक मुंबई का हर एक प्रवासी भाई घर नहीं पहुंच जाता, तब तक वो इस मुहिम को चलाते रहेंगे और हर मजदूर भाई को उनके घर पहुंचाकर ही दम लेंगे।